हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किसी भी पेशेंट को ग्लूकोज कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट को अगर किस ग्लूकोज लगाना है तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने हाथ को अच्छे से हैंड वॉश कर लेते हैं ताकि जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया हाथ में हो सब नष्ट हो जाए। तो उसके बाद मैं सारा इंजेक्शन एक जगह रख लिया हूँ, और ये है मेरे पास आरियल ग्लास का बोतल जो कि मैं इसे यूज करूँगा। तो दोस्तों, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से यूज किया जाता है किसे कौन सा बोतल लगाना है। और ये मेरे पास है एविल इंजेक्शन, इसे हम आधा एमएल या 1 ml यूज करेंगे। और मेरे पास है ये एसी लॉक इंजेक्शन, आप लोगों को पता ही होगा ये है पाली वियान इंजेक्शन, ले लिया है मैंने। और दोस्तों, ये रहा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो कि पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हर इंजेक्शन बोतल में डाला जाता है। उसे क्या समस्या है क्या नहीं समस्या है उसी हिसाब से हम यूज करते हैं। और उसके बाद ये रहा आईवी सेट, आईवी सेट हम ले लेते हैं और कॉटन ले लेते हैं, स्प्रिट ले लेते हैं ताकि जहां हमें सेट लगाना है और वहां की एरिया क्लीन कर दें। ये रहा 5 ml की एक डिस्पोजल मैंने ले ली है ताकि मैं जो इंजेक्शन डालना हो बोतल में उसमें अच्छे से डाल दें। और ये रहा मेरे पास ट्रेक्साल इंजेक्शन, इसको ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप टेप ले लीजिए ताकि टेप से आसानी से चिपकाने में आसान रहता है, और सारा इंजेक्शन हम ट्रेक्साल और जो इंजेक्शन है सब हम उसे तोड़ के इस बोतल में डाल देंगे अच्छे से और मिक्स कर देंगे। सारा हम दवा उसमें डाल देंगे, तब उसके बाद हम पेशेंट को लगाएंगे। तो मैंने बारी बारी सारा इंजेक्शन तोड़ लेते हैं और इसमें डाल देते हैं बोतल में। ये है ट्रेक्साल इंजेक्शन, इसे हम घोल बना लेंगे और उसमें घोल बना के अच्छे से डाल देते हैं। ये है एविल इंजेक्शन, इसे भी हम आधा एमएल यूज कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। एविल इंजेक्शन से एलर्जी एलर्जी होने की संभावना नहीं रहती है तो इसलिए हम यूज करते हैं उसे। तो सब दवा डाल ओल के उसमें अच्छे से हम बोतल को मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा बोतल, बोतल मतलब कि जो है कि इसमें सारा इंजेक्शन डाल चुके हैं, ये तैयार हो गया है। अब इसे हम ले चलते हैं पेशेंट के पास और लगाते हैं। तो इसको हम खोल लेते हैं आईवी सेट को। अब इसमें आप जो दो छेद देख रहे हैं एक ये वाला होगा आईवी सेट, इसमें डाल देंगे, और एक नीडल इसमें डाल देंगे जो इसकी इसमें एयर निकलता है। तो सबसे पहले हम इसको इसमें डाल देते हैं, उसके बाद इस तरह से कर लेते हैं, इसको नीचे कर थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे तो इसमें आ जाएगा। आपको इसको पहले बंद करके रखना है, उसके बाद आराम से दबाएंगे तो इसमें आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम इधर, आप अपने हिसाब से अपने टांगने के लिए बना लीजिए, मैंने इधर बनाया है। इधर आइए, तो इसको आप अपने हिसाब से कहीं बांध दीजिए, अच्छे से टांग दीजिए ताकि गिरने ना पाए। इसके बाद मैंने इसको कर दिया है। अब इस वाली नीडल को हम इसमें बगल वाले में डाल देंगे ताकि एयर इसका निकलता रहे। इस तरह से इसको हम लगा देते हैं। अब हम क्या काम करेंगे कि इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, इसमें जो एयर और बबल्स हैं इसको आपको अच्छे से निकाल देना है इस तरह से। इस तरह से आपको निकाल देना, इसमें सब एयर बबल्स जो था हमने निकाल दिया है। तो हम कॉटन और स्प्रिट ले लेते हैं पेशेंट
इसको लगाएंगे। देखो अब ये रहा पेशेंट, पेशेंट को पहले हम इसकी थोड़ा गेम ऑन देख लेते हैं। टोनिकेट मेरे पास है तो हम यूज कर लेते हैं इसमें इस प्रकार से। यहाँ प्रॉपर नस दिख रही है, आप इसको पहले क्लीन कर दीजिए अच्छे से इस तरह से। आप अच्छे से देख लीजिए जो अच्छी वेन दिख रही है, जो मोटी हो सीधी हो आप उसी में लगाइए। इसे हम क्लीन कर देते हैं और चल गई है। उसके बाद हम लगाते हैं पेशेंट को। इसमें देख लीजिए अगर ब्लड पाइप में आ रहा है तो समझ लो आपकी नस क्लियर है। उसके बाद इसको हम खोल देते हैं टोनिकेट को, और इधर ये जो स्क्रोलर है इसे हम चालू कर देते हैं। और उसके बाद आप लोग इधर ध्यान से देखिए, यहाँ ये चल रहा है और एयर निकल भी रहा है ऊपर से, तो समझ लीजिए आपकी वेन ठीक है। उसके बाद हमें इधर ध्यान में रखना है, अगर पेशेंट को इस जगह पर दर्द हो रहा है या सूजन हो रही है तो समझ लीजिए कि ये सही नहीं लगा है। उसके बाद हम टेप लगा देते हैं, उसके बाद प्रॉपर आपको टीप लगा देना है इस तरह से। बस टेप को मैंने नहीं बताया था क्योंकि आपको टेप को ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसको चिपकाने के लिए। तो पेशेंट को दोस्तों जो ग्लूकोज लगाया जाता है, इस तरीके से ग्लूकोज लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें से सब दवा ख़त्म हो गया है, इसे हमें निकालना कैसे है मान लेते हैं। चढ़ाते टाइम हमने आपको दिखाया हमें इसे निकालना कैसे है। सबसे पहले इसे हम नीचे के साइड कर देंगे, पूरा बंद हो जाएगा जो कि दवा है इसमें नहीं जाएगा। अगर नहीं बंद करेंगे दवा जाते जाते ख़त्म हो जाती है तो फिर रिटर्न, कभी ऐसा होता है कि रिटर्न दवा पाइप में उसे फिर बोतल में चढ़ने लगती है। उसके बाद हम टेप को बारी बारी से वहाँ से चिपका है जो उसे छुड़ा देते हैं आराम से, पेशेंट को दर्द उर्द होने ना पाए। तो इस तरह से हम लोग निकाल देते हैं और सीधा खींच लेते हैं अपने साइड और कार्टन वहाँ रख देते हैं। पेशेंट से बोलते हैं कि आप 5 मिनट 10 मिनट रखे रहिए तब आप कहीं जाइए, अगर नहीं रखेंगे तो वहाँ से ब्लड निकल सकता है, आप सावधानियाँ यह ज़रूर बरतें कि उसे 5-10 मिनट ज़रूर रोकें। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने एक पेशेंट को ग्लूकोज लगाया, तो इस तरह से ग्लूकोज लगाया जाता है। ग्लूकोज लगाने से पहले इन सब सामग्री को आपको अपने पास ज़रूर रखना है, और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पेशेंट का बीपी नाप लेना है, उसे बुखार तो नहीं है वो भी चेक कर लेना है, उसे क्या क्या समस्या है आप उस तरह से यूज करिए, उसे अपने हिसाब से लगाइए। पेशेंट की स्थिति देख के उसे ग्लूकोज लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ग्लूकोज उसे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।